महाराज होता है अब भगवान को विराजमान करो। बड़ा ही सुंदर दिव्य महाराज हुआ जिसमें सभी देवियां भाग लेकर के बड़ी प्रसन्नता होती है उनको। भगवान का दिव्य स्वरूप सभी को ज्ञात होता है। भगवान को विराजमान करो। ये भगवान के दिव्य महाराज जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। इसमें सभी गोपियां सभी भगवान के दिव्य भाव को प्राप्त करती हैं, अलौकिक भाव को प्राप्त करती हैं। ऐसी महाराज हर रोज वृंदावन के वनों में हो रही है। आज भगवान श्री कृष्ण महाराज में कुछ देरी से पहुंचे। गोपियां जल्दी पहुंच गई, कन्हैया देरी से पहुंचे। गोपियां भगवान से बोल पड़ी, हे गोविंद क्या कारण है, आप देरी से क्यों पहुंचे हैं? तब भगवान ने कहा, गोपियों मेरे गुरुजी आए हुए थे, मैं गुरुदेव के दर्शन करने चला गया था। गोपियां बोल पड़ी, कन्हैया आपके भी कोई गुरु है? भगवान ने कहा, मेरे गुरु तो ऋषि दुर्वासा हैं, परम तपस्वी हैं, परम त्यागी हैं। कन्हैया फिर तो हमें भी दर्शन कराओ। वो चलो, लेकिन गोपियों गुरु के घर मंदिर में और स्वास्नी के बहन बेटी के जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई ना कोई उपहार प्रसाद साथ में लेके जाना चाहिए। अपने अपने घरों में जाओ और 56 भोग प्रसाद तैयार करके लाओ। अब गोपियां अपने अपने घरों में जाती हैं, 56 भोग प्रसाद बना के लाती हैं। यमुना के तट पे आई और बोलती है, कनक कहाँ है आप गुरुजी? भगवान ने इशारा किया, यमुना जी के उस पार एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। भगवान ने कहा कि वो जो कुटिया दिखाई दे रही है, मेरे गुरुजी उसी में तपस्या कर रहे हैं। गोपियां बोल पड़ी, कन्हैया नौका है नहीं,
तैरना हमें आता नहीं है, आप बताओ हम कैसे जाएं। आप कैसे गए थे? भगवान ने कहा मैं तो ऐसे चल के गया था, आप ही चले जाओ। गोपियां बोल पड़ी, करें हम तो डूब जाएंगे, तैरना आता नहीं है, कोई रास्ता बताओ। तो भगवान ने कहा हे गोपियों, यमुना मैया से हाथ जोड़े कहो, हे यमुना मैया, यदि हमारे श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियां हंस पड़ती हैं और कहती हैं कन्हैया अपने आप को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसको कहा जाता है? जिसने सपने में भी लकड़ी की बनी हुई स्त्री का भी चिंतन नहीं किया हो, ऐसा जो ब्रह्मचारी होता है वो नैष्ठिक होता है। लकड़ी की स्त्री की प्रतिमा को भी जो चिंतन नहीं किया हो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। गोपियां बोल पड़ी, झूठी बात हम तो नहीं कहेंगी। वो नहीं कहो तो आप जानो, जब एक दो कदम रखा तो घुटने तक पानी आ गया, फिर बाहर निकलती हैं और हार थक कर हाथ जोड़ के बोलती हैं, हे यमुना मैया, बात तो बड़ी झूठी है पर यदि हमारे श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दीजिए। जैसे उन्होंने बोला और बोलते यमुना की धाराएं रुक जाती हैं, बीच में से मार्ग बन जाता है। गोपियां कभी तो कन्हैया की ओर देख रही हैं, कभी रुकी हुई धारा की ओर देख रही हैं और कभी उस पार कुटिया की ओर देख रही हैं। भगवान ने कहा देख रही है क्या? देख रही, जाओ जल्दी से। अब तो यमुना जी को पार किया है, उस पार पहुंची, ऋषि दुर्वासा बैठे हुए हैं, अलमस्त फकीरी, बड़ी जटाएं बड़ी हुई, चरणों में नमन किया और प्रसाद जो लेके आई थी वो प्रसाद रख दिया सामने, महाराज प्रसाद भाई। ऋषि दुर्वासा तो मानो जन्म जन्म के भूखे हो, जो प्रसाद लेके आई थी गोपियां उनको सबको अंदर फ्रिज में रख दिया, एक कण भी नहीं छोड़ा। गोपियां मन में सोचा अच्छा हुआ भाई, ये तो काम अच्छा हुआ, चलो गुरुदेव को आज ही भूख लगी थी और आज ही हम प्रसाद लेके आ गई, ये तो काम अच्छा हो गया। वैसे तो एक कहावत है कि माताओं बहनों को खाने में खुशी नहीं मिलती है, खिलाने में मिलती है। माताओं बहनों की खासियत है खिला कर खुश होती है, खाकर खुश नहीं होती है। और जो नारी खाकर खुश होती है ना, उनके घर की हालत बड़ी विचित्र होती है। इसलिए औरत के लिए कुछ ऐसे नियम है, देखो मित भाषी थोड़ी बोलने वाली, मिष्ट भाषी मीठी बोलने वाली, मित भोजी कम खाने वाली, मित व्ययी कम खर्चने वाली, मित साई कम सोने वाली, ये औरतों के गुण हैं। इन गुणों को जो औरतें ग्रहण करती हैं, कौन कौन से? मित भोजी कम खाने वाली, मिष्ट भाषी जो मिष्ट बोलने वाली, मित भाषी कम बोलने वाली, मित व्ययी कम खर्चने करने वाली, कम खर्चा करने वाली, और मित साई कम सोने वाली। ये पांच ऐसे अद्भुत गुण हैं। ये गुण गोपियां मन में सोचते, चलो अच्छा काम हुआ, गुरु जी को प्रसाद खिला दिया है, प्रणाम किया तो अखंड सौभाग्य आशीर्वाद दे दिया सबको। गोपियां चलकर आई तो यमुना जी तो पहले से तेजी से बह रही है, पानी और बढ़ गया है। गोपियां बोल पड़ी, सखियों अब यमुना को पार कैसे करें, बड़ी समस्या हो गई है, कृष्ण ने हमारे साथ धोखा कर लिया है। एक गोपी बोल पड़ी, अरे जिसका चेला इतना चमत्कारी हो उसका गुरु तो पता नहीं कितना होगा, चलो हम गुरु जी दुर्वासा से पूछेंगे। तो सब गोपियां दुर्वासा के पास में गई, हाथ जोड़ के बोल पड़ी, महाराज आते समय तो आपके शिष्य ने हमें रास्ता दिखा दिया, अब हमें मार्ग तय करना है, बताओ यमुना को पार कैसे करें। दुर्वासा हंस पड़े, बस छोटी सी बात है, गोपियों जाओ हाथ जोड़ के यमुना मैया से कह दो कि हे यमुना मैया, ऋषि दुर्वासा ने जीवन में अन्न का कण नहीं पाया है तो हमें मार्ग दीजिए। अब तो गोपियां जोर जोर से हंस पड़ी, बोले महाराज अभी जो प्रसाद लेके आई थी वो प्रसाद कोई मावे का और मेवे का नहीं था, वो पूरा अन्न का ही बना हुआ था, इतना इतना आप प्रसाद पा गए, हमको एक दो संख्या में थोड़ी है, हम हजार हजार संख्या में हैं, हजारों मण प्रसाद आप खा गए और फिर कहते अन्न का कण नहीं खाया है। गोपियां गोपियों से दुर्वासा बोल पड़े, ये मुझे मालूम नहीं, यदि आपको मार्ग चाहिए तो जाओ यमुना से बोल दो। यमुना के पास में गोपियां आकर के बोल पड़ती हैं, हे यमुना भाई मैया, सत्य क्या है ये हमें पता नहीं है, हे माँ यदि ऋषि दुर्वासा ने जीवन में अन्न का कण नहीं पाया है तो हमें मार्ग दीजिए। जैसे ही बोला कि धाराएं उसी क्षण रुक जाती हैं।
अब तो गोपियां बड़ी आश्चर्य में पड़ी हुई, कभी तो झोपड़ी की ओर देख रही हैं, कभी उस पार कन्हैया की ओर देख रही हैं, कभी रुकी हुई धारा की ओर देख रही हैं। अरे सखियों चलो जल्दी से उस पार पहुंची। भगवान ने कहा आओ गोपियों वंशीवट के पास चलते हैं। गोपियां बोल पड़ी हम नहीं जाएंगी। बोले क्यों? बोले पहले हमें भेद बताओ कि आप तो कैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और कैसे दुर्वासा ने अन्न का कर्ण नहीं पाया है। अब विशेष ध्यान देना आप सभी। भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं गोपियों वास्तव में मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, मेरे मन में आपके प्रति कोई कामना नहीं है। आप मेरी रास में आओ तो भी ठीक है और नहीं आओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके होने से मेरी खुशी नहीं है, आपके होने से मेरी प्रसन्नता नहीं है। मैं तो हर समय प्रसन्न ही रहता हूं। मैं आपके बीच में हूं, आप मेरे बीच में नहीं हो। ध्यान देना एक कहावत है भीड़ में अकेला और अकेले में मेला। अब आप यहाँ हमारे सबकी भीड़ है, हम सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग यहाँ विराजमान है या हम अकेले हैं? क्योंकि हम उस परमात्मा एक का चिंतन कर रहे हैं, यहाँ तो अकेले हैं। और आप अकेले में बैठे रहो और उसमें पत्नी का पति का परिवार का संतान का संसार का चिंतन होता रहे तो अकेले में मेला है। तो भीड़ में अकेला अकेले मेला। भगवान ने कहा गोपियों मैं आपके बीच में हूँ, आप मेरे बीच में नहीं हो। संसार में रहना कोई दोष नहीं है, संसार को अपने बीच में रखना दोष है। पत्नी में परिवार में भाई में बंधु में समाज में रहो, खूब रहो, आनंद से रहो, प्रसन्नता से रहो, उनको अपने अंदर मत रखो। उनके बीच में रहने में कोई दोष नहीं है, उनको बीच में रखने में दोष है। गोपियां बोल पड़ी कन्हैया वो तो हमें मालूम है निर्मोही मोहन आप निर्मोही हो, आप में हमारे प्रति कोई मोह नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम है मोहन, मोहन जिसमें मोह नहीं है वो मोहन। लेकिन कन्हैया दुर्वासा ने तो हमारी आंखों के सामने अन्न खाया है, सैकड़ों सैकड़ों मण, एक दो किलो एक दो शेर होता तो बात अलग है, सैकड़ों मण प्रसाद हमारे आंखों के सामने खा गए और फिर कहते हैं कि अन्न का कण नहीं खाया है। गोपियों से भगवान बोल पड़े अरे गोपियों वास्तव में दुर्वासा ऋषि ने आपके सामने नहीं इस पूरे जीवन में अन्न नहीं खाया है। दुर्वा किसको कहते हैं? दूब को, दूब को बोलते हैं दुर्वा। जो मात्र 10 ग्राम दूब के रस को पीकर के अपने शरीर का निर्वाह करते हैं, शरीर को चलाते हैं, उनका नाम है दुर्वासा। दुर्वा के आसव से जो जीवित रहते हैं वो दुर्वासा। तो जो अन्न खाया था हमारे सामने वो कहां गया? भगवान बोल पड़े गोपियों जहां जहां भगवान के भक्तों के भोजन का समय हो गया, जहां जहां भगवान के भक्त भूखे हो गए वहां वहां वह प्रसाद पहुंच गया। दुर्वासा ने खाया नहीं था वो प्रसाद, जहां जहां भगवान के भक्त थे उनके पास व्यवस्था नहीं थी वो प्रसाद वहां पहुंच गया। कभी कभी होता है ना ऐसा कि भाई है तो पता ही नहीं है प्रसाद कहां से आ गया, ये कहां से मिल गया। ये ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों का वो प्रसाद वहां पहुंचता है। बिना न्योता दिए बिना किसी को कल्पना किए संत महात्माओं के आश्रमों में प्रसाद पहुंच जाता है अपने आप ही। वो उन दिव्य संत महात्माओं का वो दिव्य लीला है। देखो भाई संत महात्मा ब्रह्मज्ञानी क्या लीला करते हैं ये किसी को जानकारी नहीं रहती है। हर कथा में मैं एक बात बताता हूँ। डाबड़ी से भी हमारे बीच में कई भक्तों का आए हुए हैं आज, और हमारे इस काछवाल परिवार की तो पहचान इस हार्डी से ही है। ये काछवाल परिवार प्रांगण में जिसमें कथा हो रही है ये सारडी से ही यहाँ सांवराज आया हुआ है। तो सारडी में एक महात्मा जी थे जिनका नाम है जय हरि बाबा जी। आज भी बगीची है उनकी, और उस बगीची में बीकानेर महाराजा नंगे पांव धोख देने आए थे। आज भी उनका पत्र वहां लगा हुआ है। तो जयहरी बाबा जी सारडी वाले और डाबड़ी में एक उत्तर की तरफ जसों के जाते हैं तो बाएं हाथ में टीला है बहुत बड़ा, वहां पर एक महात्मा जी थे मूर्तिराम जी महाराज। बड़े तपस्वी थे मूर्तिराम जी, दोनों एक गुरु भाई थे। इतना अतिशय प्रेम था दोनों का, लेकिन दोनों संत कभी भी अपने एक दूसरे के आश्रम में नहीं गए।
दाबड़ी वाले महात्मा जी सोचते कि मुझे सारडी जाना जेरी बाबा के पास में, तो इतने में उन जेरी बाबा के मन में विचार आता कि मुझे आज दाबड़ी जाना है, तो दोनों अपने स्थान से रवाना हो जाते। तो कभी तो लेडी में मिलते, कभी धोलिया में मिलते, कभी झेकरिया में मिलते, आस पास में कई खेतों में मिलते, तो एक दूसरे के आश्रम में कभी नहीं गए, रस्ते में उनकी मुलाकात होती, वहीं दो चार घड़ी अताई करते और फिर वापस अपने अपने कुटिया की ओर चल देते। एक दिन की बात हुआ क्या कि मूर्ति राम जी महाराज जो डाबड़ी वाली जो बगीची थी वहां के महात्मा जी थे, वो भिक्षा लेने के लिए गांव में गए हुए थे। और पहले क्या दीपक जलता था, झोंपड़ियां होती थी सरकंडे की, तो झोंपड़ी में आग लग गई। और इधर जयहरी बाबा जी अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे थे, उनको ध्यान में आया कि डाबड़ी वाले बाबा जी झोंपड़ी में है नहीं, झोंपड़ी में आग लग गई है। तो जयहरी बाबा जी दौड़ के आए गांव के बीच में, गांव के बीच में तालाब है साल्टी के अंदर बहुत बड़ा, उस समय प्राचीन समय में पानी से भरा रहता था और लोग पानी पीते थे। आज तो पानी गंदा हो गया है, व्यवस्था भी नहीं है, पानी रुकता भी नहीं है, कई कारण हो गए हैं। तो लोगों को बोला कि झोपड़ी में आग लगे, चलो जल्दी से। अब कोई तो पानी का घड़ा भरता है, कोई मटका भरता है और कोई बाल्टी भरता है, ऐसे 10-20-50 लोगों को लेकर गए और अपनी झोंपड़ी में पानी डाल रहे हैं, अपने गाँव में साल्टी में पानी डाल रहे झोंपड़ी में। लोगों ने पानी डाल दिया, अंदर आके देखा तो आग लगी भी नहीं थी। और जयहरी बाबा जी लोग पागल समझते थे, जयहरी बाबा को लोग पागल पागल बाबा कहते थे। बोले महाराज आज पक्की बात हो गई कि आप वास्तव में पागल हो, सबको परेशान कर दिया, झोंपड़ी में आग ही नहीं लगी हुई है, झोंपड़ी तो सूखी पड़ी है कहीं पर नहीं, आपने झूठा इसको भिगो दिया है। अरे बोले आपको पता नहीं आग लगी हुई, आग बुझ गई है। इधर मूर्ति राम जी महाराज जो थे वो अपनी कुटिया में आकर देखते हैं तो थोड़ी सी ऊपर जली हुई थी झोंपड़ी और पानी पानी पड़ा हुआ था। लोगों से पूछा कि भाई आग किसने बुझाई, गांव के बीच में उस कुटिया के बीच में 400-500 मीटर की दूरी है, आजकल तो लोग पास में बस गए हैं लेकिन उस समय काफी 500 मीटर की दूरी थी। लोगों से पूछा कि भाई आग किसने बुझाई, तो कहा भाई हमने तो नहीं बुझा, हम तो गए नहीं, हमें तो आश्रम में गए काफी समय हो गया है। तो 2-4-5-10 दिन बाद में मालूम हुआ कि सारडी वाले बाबा जी ने वहां जो पानी डाला था वह पानी यहाँ पहुंच गया। जो सारडी में कुटिया में पानी डाला वो डाबड़ी वाली की आग बुझ गई। लोगों को तब मालूम हुआ कि क्या चमत्कार किया जयहरी बाबा जी ने और कैसे वहां जाके आग बुझ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म ज्ञानी संत कब क्या लीला करता है किसी को मालूम नहीं बंधु। इसलिए कोई संत के ऊपर आक्षेप मत करो, मत अंगुली उठाओ, सेवा होती है तो कर दीजिए। आप उनको दे सकते हैं उपहार तो ठीक है, नहीं दे तो कोई फिक्र नहीं पड़ी, आपकी गरज नहीं है प्रसाद की और सम्मान की उनको, लेकिन उनका तिरस्कार करना, उन पर अंगुली उठाना, उन पर आक्षेप करना, उनके बारे में जैसे तैसे मुंह में आए वो बात कहना, ये बहुत अनुचित है। हो सकता है कि ब्रह्मज्ञानी संत क्या लीला कर रहा होगा, उस लीला का बहाना क्या होगा, उसके द्वारा वो क्या समाज को संदेश देना चाह रहे होंगे, क्या पता आपको। हो सकता है समाज की जागृति के लिए वो कुछ कर रहे होंगे। इसलिए हम गृहस्थी लोगों को तो कोई भगवान भेष दिख जाए उनको प्रणाम करना ही ठीक है, नमस्कार कर लो, होए तो सेवा कर दो, नहीं तो कोई गरज नहीं पड़ी आपकी सेवा की। आपकी सेवा के संत मोहताज नहीं है, वो अपने तप के बल पे सब संभव है उनके पास में। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि गोपियों, ऋषि दुर्वासा जिन्होंने मात्र दुर्वा के दूब के रस से अपने शरीर को चलाया है, अपने शरीर को चलाने के लिए मात्र दूब के रस को पीते हैं, और जो प्रसाद पाया था वो वहां वहां भक्तों के पास पहुंच गया, गोपियों की शंका दूर हो गई। आज दोनों बातें जान गई गोपियां कि भगवान श्री कृष्ण निर्मोही हैं, उनके मन में हमारे प्रति कोई भाव नहीं है। और आज एक बात ये भी समझ में आ गई कि ब्रह्म ज्ञानी जो होता है उसकी गति निराली होती है। तभी तो कहा है यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जे मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये गति अटपटी है। कंस महाराज बैठे हुए सभा के अंदर मथुरा में, कंस के गुप्तरों ने सूचना दी कि महाराज आपने जिन अघासुर बकासुर धेनुकासुर प्रलंबासुर वत्सासुर को भेजा वो एक भी वापस नहीं आया। आपको मारने वाला धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। कंस ने कहा कि बंधुओं करे भी तो क्या। इतने में श्री नारद जी महाराज सभा में प्रकट हो गए।
कंस ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने बताया था कि काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बालों वाला होगा और ऐसा नटवरलाल कंस में मारने वाला होगा। महाराज वो काला काला मुरली वाला घुंघराले बालों वाला तो एक नंद के बालक है, ऐसे ऐसा स्वरूप बंसी भी बजाता है, घुंघराले बाल भी हैं और शाम्भरण का भी है, कहीं वही तो नहीं है। नारद जी ने कहा, भैया ये मुझे पता नहीं वो है कि दूसरा है, लेकिन मैं तेरे को एक और बात बता देता हूँ। कंस तूने एक बार भगवान शिव जी की आराधना की थी। बोले हाँ। भगवान शिव जी ने तुम्हें एक धनुष दिया था, उस धनुष को तो तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा। अब सभी ध्यान देना, मृत्यु जब आती है तो पहले चार चेतावनियां देती है। मृत्यु की चार चेतावनियों को जो समझ जाता है और जो समझ जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, वह तर जाता है। हम सामान्य मनुष्यों के पास में बालों का सफेद होना, आंखों से दिखना कम हो जाए, दांतों का गिरना, घुटनों में कमर में दर्द, ये चार चेतावनियां हैं। इनको प्राप्त करके आप माला जपना शुरू कर दो, भगवान का स्मरण शुरू कर दो तो भव से पार हो जाएंगे। कंस के पार में चार चेतावनी आई थी, कौन कौन सी? सबसे पहले कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई थी, रे कंस देवकी का आठवां लाल तुम्हारा काल होगा। लेकिन कंस अहंकारी है, मूढ़मति है, वो समला नहीं, समझा नहीं। उसने तो अहंकार के वशीभूत होकर के अपने पिताजी को, अपने बहन बहनों को जेल खाने में डाल दिया, अधिकार अपने हाथ में ले लिया और मैं जो चाहूंगा वह कर डालूंगा, ऐसा उसने सोच रखा था। दूसरी बार जो देवकी की आठवीं कन्या थी योग माया, वह आसमान में अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके आकाशवाणी करती है, रे मूढ़ कंस तू अवश्य ही मारा जाएगा, तुझे मारने वाला और कहीं पल रहा है। कंस को यह भी बात मालूम थी कि आकाशवाणी झूठी नहीं होती है। पहली बार तो आदेश हुआ कि देवकी का आठवां लाल तुम्हारा काल होगा, दूसरी बार आकाशवाणी हुई कि तू अवश्य मारा जाएगा, अर्थात तू समझ जा, भगवान का स्मरण कर ले, अहंकार का परित्याग कर दे। तीसरी बार नारद जी आए और कहते, कंस काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बालों वाला होगा और ऐसा नटोर नलाल तुझे मारने वाला होगा। लेकिन कंस फिर भी समझा नहीं। नारद जी ने सोचा कि अब एक कसर क्यों छोड़े, बस तीन चेतावनी तो दे दी, अब एक चेतावनी देने में क्या फर्क पड़ता है। तो फिर नारद जी आए और कहा, कंस जो शिव धनुष को तोड़ेगा वह तुम्हें मारेगा। नारद जी की बात भी झूठी नहीं है, अर्थात शिव धनुष टूटेगा, तू मारा जाएगा, अब भी तेरे पास समय है, तू भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, भजन कर ले, तू तर जाएगा। लेकिन कंस ने सभा बुलाई है और कहा, बंधुओं एक काम करो, धनुष भंग यज्ञ का आयोजन करो, ऐलान कर दो कि जो धनुष को तोड़ेगा उसको मथुरा का आधा राज्य दे दिया जाएगा। अब तो भाई कंस ने ऐलान करवा दिया है, बड़ा यज्ञ शुरू करवा दिया है। अब समस्या आई, हर जगह सूचना पहुंचा दी, लेकिन वृंदावन कौन जाए, क्योंकि वृंदावन जो गया था वापिस नहीं आया, उसकी खबर ही आई थी। और बंधुओं आज भी कोई वृंदावन जाता है तो वास्तव में वापस नहीं आता है, वापस तो उसकी देह आती है, उसकी आत्मा तो वहीं रह जाती है, वहां बांके बिहारी छलिया चोर बैठा है, उसकी आत्मा को चुरा लेता है। कंस के चचेरे भाई जिनका नाम अक्रूर, अक्रूर जिसमें क्रूरता नहीं हो, जिसमें दया भरी हुई हो, जिसमें करुणा हो, वही वृंदावन जा सकता है, ध्यान देना। नहीं तो कंस जैसों को तो मारने के लिए भगवान खुद मथुरा ही चले जाते हैं, उसको वृंदावन नहीं बुलाते हैं। कंस ने अपने चचेरे भाई अक्रूर को बुलाया और कहा, अक्रूर जी आप वृंदावन जाओ, बाबा नंद आदि से कह दो कि यज्ञ में हवन के लिए गायों का घी लेकर के आए और सभी ग्वाल बालों को आप अपने साथ में लेकर के आओ, कृष्ण बलराम को साथ में लेकर आओ और धनुष भगी में शामिल करो।
अग्रुजी को मालूम था कि कंस बड़ा पापी है, अत्याचार अन्याय करेगा, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन करना भी धर्म है। तो बोले ठीक है महाराज जी, आपका आदेश में जाता हूँ। अग्रुज जी रथ लेकर के पहुंचते हैं वृंदावन। शाम का समय हो गया था। भगवान श्री कृष्ण बलदाव भैया बाहर खेल रहे थे, आते हुए अक्रूर को देखा है। दोनों भाइयों ने उनके हाथ पकड़े और अंदर खींचते हुए जा रहे, मैया मैया देखो आज कौन मेहमान आए हैं। बाबा आनंद यशोदा मैया ने अक्रूर जी का स्वागत किया है, उनको विराजमान करवाया है। पूरे नगर में खबर फैल गई कि मथुरा से कोई राजकीय व्यक्ति आए हैं, बड़े ओहदेदार आए हैं। तो शाम के समय में भोजन के बाद में इकट्ठे होते हैं सब बातचीत करने के लिए। आज तो देखो भाई, पड़ोस में मेहमान आए तो उसको मालूम नहीं होता है। पड़ोस में मेहमान को 7 दिन बीत जाए तो पड़ोसी को मालूम नहीं होता है कि मेहमान आया हुआ है। और पुराने जमाने में गांव के में कोई भी मेहमान आता तो गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होते, चर्चा करते, कुछ लोग से पूछते वहां की फसल कैसी है, कितने बाल बच्चे हैं, गांव में कौन कौन जाति है, किसके कितने बच्चे हैं, उन्हें सगाई भी ब्याह भी हो जाते और वहां की हर बात है उसका आदान प्रदान हो जाता है। आज समस्या क्या है, आज ये मोबाइल हम सबको लेके बैठ गया है। बेटा एक तरफ मुंह करके बैठा है, बाप एक तरफ बैठा है और पत्नी एक तरफ मुंह करके बैठी है और दादाजी मोबाइल में कुछ और ही खोज रहे हैं। घर में 7 सदस्य हैं तो 7 मुख से नहीं बोलते हैं। आप देख लो, आप खुद देख लो, चाहे आप हमारे घर पे ले लो चाहे आपके घर पे ले लो, हम अपने परिवार से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, परिवार से दूर होते जा रहे हैं। पास में रह करके भी हमारे बीच में खाइयां हो गई हैं, गरी खाइयां हो गई हैं। हम अपने बेटों की, अपने संतान की, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु की मन की भावना को ही नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी दूरियां बढ़ गई हमारी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप घर में थोड़ा मोबाइल देखना कम शुरू करो, तो मैं भी कर देता हूं। आप थोड़ा सब श्रोता लोग थोड़ा पाबंदी लगाओ तो मैं भी लगा देता हूं। इस मोबाइल ने हमारी आंखों को क्षीण कर दिया है। इसकी जो किरणें निकल रही हैं उससे हमारे शरीर में इतने रोग पैदा हो रहे हैं जिसकी कोई सुमार नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये परिवार की दूरियों को बढ़ा रहा है, थोड़ा कम समय यूज करें इसको। हम सब की आदत खराब पड़ी हुई है। और एक रिसर्च हुआ है अमेरिका में, 5,000 लोगों को तो रात में कहा कि भाई आप किताब पढ़ के सो, और 5,000 लोगों से कहा कि तुम मोबाइल देख के सो। जो मोबाइल देख करके सोए उनको नींद ठीक से नहीं आई, सुबह उठे तो थके थके उठे, और जो किताब पढ़ के सोए थे उनको गहरी नींद आई, उनकी थकावट उतर गई, सुबह हुआ खिले फूल की तरह उठे। तो रात में यदि पुस्तक पढ़ के कोई सोता है, राम राम जप के सोता है, भाई पढ़े लिखे नहीं है, जिनको पुस्तकों से प्रेम नहीं है, वो सोते समय आधा घंटा एक घंटा सीधे सोकर के श्रीमद नारायण राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हरि जो नाम आपको प्रिय लगता है वो जप कर सोए तो गहरी नींद आएगी। अपनी रात है वह निद्रा है, वह वासना है, वह साधना में बदल जाएगी। नींद योग में बदल जाएगी, वह भोग योग बन जाएगा, वासना साधना बन जाएगी। इसलिए थोड़ा हमने अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो आज वृंदावन में सभी लोग इकट्ठे हो गए। अक्रूर जी से पूछा, महाराज कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? अक्रूर जी ने कहा कि हे नंद महाराज, मथुरा में सब ठीक है, यहाँ कैसे है? बोले यहाँ भाई सब कुशल है, कृपा है, कहो कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा कि कंस महाराज ने मथुरा में अपने राज दरबार में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन शुरू किया है। यज्ञ का नाम है धनुष्वंग यज्ञ। जैसे अपने यज्ञ का होता ना, शिव महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ, लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, श्रीमद भागवत महाज्ञान यज्ञ, ऐसे कंस ने नाम रखा है धनुष्वंग यज्ञ।
उनका आदेश है कि वृंदावन के सभी लोग अपने अपने गायों को घी को लेकर के यज्ञ में शामिल होवें, और कल सुबह जब मैं जाऊंगा तो कृष्ण और बलराम को साथ में लेके जाऊंगा। यशोदा मैया झरोके में झांक रही थी। यशोदा मैया रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ी, अक्रूर जी चाहे आप सबको ले जाना लेकिन मैं कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगी। तो बाबा नंद भी बोल पड़े, अरे यशोदा ये तो सुबह की बात है, अभी सभा लगी हुई है, सभी गांव के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके सामने आपका बोलना उचित नहीं है। तो यशोदा मैया क्या बोल पड़ी, यशोदा बोल पड़ी, महाराज कल को आप कह दो कि रात में क्यों नहीं बोला, रात में मना क्यों नहीं किया, अब सुबह क्यों मना कर रही हो इन टाइम पर। महाराज मैं तो अभी कह देती हूं, कोई नाराज होवे तो होवे, मैं कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगी। यशोदा मैया इतनी बात करके अपने कक्ष में चली गई। सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। सबने घरों में जाके सूचना कर दी कि कल सुबह सबको जाना है, सब ग्वाल वालों को भी जाना है, और अक्रूर जी कृष्ण बलराम को अपने साथ में लेके जाएंगे। सुबह सुबह की तैयारियां करनी सबको। इधर यशोदा मैया रात में एक पल भी आंखें बंद नहीं कर पाई। आज कन्हैया को अपने पास में सुला लिया, बार बार कृष्ण के मुख की ओर देखती, टप टप आंसू पड़ जाते, मन में सोचती कि यदि कन्हैया चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। यशोदा के तो ये रात ऐसे बीती है जैसे मानो कोई 12 वर्ष बीते हो। सुबह का समय हुआ, अक्रूर जी रथ को सजाया है, हे कृष्ण बलराम जल्दी स्नान करके आओ, हमें चलना है। भगवान श्री कृष्ण और बलदाव भैया स्नान करके आ गए, गांव के लोग भी तैयार हो रहे थे। यशोदा मैया अक्रूर जी के पास में आई, हाथ जोड़ के बोल पड़ी, महाराज एक बात कहूं, देखो मैं कितनी बूढ़ी हूं, 85 साल की अवस्था में भगवान का अवतार हुआ था यशोदा मैया के घर में, और भगवान हुए 11 साल 56 दिन के। अब मैया की उम्र होगी 96 साल की। मैया कहती है कि इस अवस्था में मैं अपने हाथ से बिलोना करती हूँ, अपने हाथ से मक्खन निकाल करके कृष्ण को भोग लगाती हूँ, अपने घर का सारा कार्य करती हूँ। अक्रूर जी पता है आपको ये क्यों हो रहा है, ये कृष्ण मेरे आंखों के सामने है तो मुझ में अपार बल है। और बंधुओं, माँ और बेटे का प्रेम कहीं देखने को इस सृष्टि में आज तक मिला है तो यशोदा मैया और भगवान कृष्ण का। इस अवस्था में, इस 96 साल की अवस्था में यशोदा मैया को जब भी कन्हैया की याद आती तो मैया के स्तनों में से दूध की धारा बह पड़ती, जैसे कोई आज जिस माता बहन के बालक होता है और उनकी स्तनों में धारा दूध की धारा आती है, वैसा दूध माँ की यशोदा के स्तनों में से याद आते ही स्तनों में दूध आता, इतना वात्सल्य प्रेम था। यशोदा मैया ने हाथ जोड़े अक्रूर जी के सामने और कहा, महाराज आप सबको ले जाओ, नंद महाराज को ले जाओ, नगर के बड़े बड़े लोगों को ले जाओ, लेकिन कृष्ण बलराम को मत ले जाओ। अक्रूर जी तो देखो ठहरे, बहुत चतुर आदमी है, उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, मैया बस 2 दिन की तो बात है, आज लेके जा रहा हूं, कल वहां रहेंगे और परसों में छोड़ दूंगा। हे यशोदा, इतनी लंबी अवस्था में, इतनी बड़ेरी अवस्था में इतना मोह नहीं करते हैं, आप मना मत करो, इसमें हित ही है सबका। अब यशोदा मैया ज्यादा तो बातें कर नहीं पाई, कृष्ण बलराम तैयार होके आ गए। अब ये बात पूरे नगर में फैल गई थी कि कृष्ण बलराम आज जाएंगे तो गांव की जो नगर की वृंदावन की गोपियां थी वो सब कृष्ण बाबा नंद के महल में इकट्ठी हो गई, रथ के चारों ओर खड़ी हो गई, रथ के पहियों को पकड़ लिया और अक्रूर से कह दिया, अक्रूर जी
आप अक्रूर हैं, आप में क्रूरता नहीं है, आप दयालु हैं, आप करुणा की मूर्ति हैं। महाराज आप हमारी पीड़ा को समझिए, हम गोपियां श्री कृष्ण के बिना एक पल नहीं रह सकती, हमारा जीवन कृष्ण है, हमारे प्राण कृष्ण हैं, बिना कृष्ण के हमारी कोई अक्रूर ने उनको समझा नहीं, रथ को हांक दिया। कृष्ण बलराम को रथ पे बिठाया है, रथ को रवाना कर दिया। गोपियां बार बार बिलखती हैं लेकिन अक्रूर सुनता नहीं है, और गोपियां चल करके यशोदा मैया के पास में आई और मैया से कहती हैं, अरे माँ तू कैसी यशोदा माँ है, तुझे पता है कृष्ण यदि मथुरा चले गए तो कंस उसको मार डालेगा। कंस ने कन्हैया को मारने का कितना प्रयास किया है, कितने दुष्टों को यहाँ भेजा है, और तू सामने भेज रही चला करके उसके। अब गोपियां एक ऐसी बात कर रही हैं जो कोई माँ सुन नहीं सकती। गोपियां बोल पड़ी, यशोदा तूने तो कन्हैया को पराजय समझा है, अपना बेटा माना ही नहीं तूने, तू अपना बेटा मानती तो कंस के सामने कृष्ण को कभी नहीं भेजती। अब तो मैया के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया हो। गोपियां बोल पड़ी, जा जा यशोदा जा, कृष्ण को लेके आ। अब तो जैसे रथ आगे बढ़ा, दूरियां बढ़ने लगी, तो भगवान को भी याद आई गोपियों की कि मैं कैसे रहूंगा। अरे गोपियां तो सैकड़ों की संख्या में, मैया इनके पास में, ये तो आप एक आपस में रह लेगी, लेकिन मैं तो अकेला जा रहा हूँ। भगवान भी पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हैं। अब की बार रथ नगर से बाहर निकल चुका था, भगवान ने पीछे देखा तो पीछे से कोई बुढ़ी आ रही है, हाथ में एक छड़ी है, छड़ी के सहारे कमर झुकी हुई और दौड़ती आ रही है, कन्हैया रुक जाओ कन्हैया रुक जाओ। रथ पास में पहुंचा, अक्रूर जी रथ को रोकिए, लगता है कि मैया से रहा नहीं गए, मैया आ गई है। मैया पास में पहुंची, भगवान रथ से कूद पड़े, मैया के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। माँ तू पीछे क्यों आ गई है? कन्हैया चाहे कंस नाराज हो जाए, हम अपने घर में रहेंगे तो कंस एक कंस नहीं, हम हजार कंसों को जीत लेंगे, लेकिन मैं तेरे को कंस के सामने नहीं भेजूंगी। भगवान ने कहा, मैया आज पहली बार तो गांव से बाहर जाने का मौका मिला है, अरे घर से बाहर नहीं निकलूंगा, दुनिया देखूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे कि दुनिया में क्या क्या बातें हैं। देखो मथुरा कितनी बड़ी होगी, मथुरा में कैसे कैसे महल होंगे, कैसे बगीचे होंगे, कितनी सुंदरता होगी वहां की, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, देखूंगा नहीं, दुनिया को जानूंगा कैसे। और मैया तुझे पता है कोई यात्रा में जाता है उसके पीछे से आवाज लगाते हैं, पीछे से दौड़ के जाते हैं तो अपशकुन होता है, तू तो इतनी बड़ी हो गई है और अब शकुन देने आ गई है। अब तो मानो मैया के हृदय पर वज्रपात हो गया हो। मैया ने कहा, कन्हैया क्या बताऊं, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मुझे होश नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेटा तेरा मन है ना जाने का? भगवान ने कहा, हाँ मैया मैं स्वयं जाना चाहता हूं। तो मैया ने अपने हृदय पे मानो पत्र रख लिया हो, और यशोदा मैया बोल पड़ी, बेटा तुझे आज एक बात कहूं। यशोदा मैया पहली बार भगवान को एक बात कह रही है कि बेटा तू कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। यशोदा मैया पहली बार भगवान को यह कह रही है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मैया आप क्या कह रही हो? बोले हाँ बेटा, जब बलदाऊ भैया कहते ना, बलदाऊ भैया कन्हैया से कहते हैं कि तू यशोदा का बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। तो यशोदा मैया आती बलदाऊ का कान पकड़ के कहती है, क्यों कह रहा है ऐसी झूठी बातें, ये मेरा ही बेटा है, तू मेरा नहीं है, तू रोहिणी का है, कृष्ण तो मेरा ही बेटा है।
भगवान को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो देवकी का पुत्र है, यशोदा का जाया हुआ पुत्र नहीं है। तो आज खुद यशोदा मैया कह रही, बेटा तू मेरा पुत्र नहीं है। मैया आप क्या कह रही हो? बोले हाँ बेटा, तुम्हारी माँ देवकी है, तुम्हारे पिताजी वसुदेव हैं, तू उनके पास जाएगा ना, उनसे मिलेगा मथुरा में। बेटा तू इतने दिन मेरे पास रहा है, मेरी कई गलतियां हुई हैं। एक बार तूने उत्पात किया था, गोपियों को परेशान किया, तो मैंने तेरे उखल के बांध दिया। उखल के जब बांधा था तो रस्सी तेरे पेट की अंकित हो गई थी, रस्सी का निशान बन गया था। बेटा तेरी माँ वो पेट के रस्सी अंकित देखे ना, तो अपनी माँ से कहना मत यशोदा ने मुझे बांधा है, नहीं तो तेरी माँ सोचेगी अरे यशोदा तुझे पालने के लिए बेटा दिया, उसको तूने बांधा है, ऐसा तूने लाड लटाया है। बेटा एक दिन तूने मिट्टी खाई तो मैंने तुम्हारा मुख फड़ाया, मिट्टी नहीं खाने दी तुम्हारे को, ये बात भी अपनी माँ से मत कहना कि यशोदा ने मुझे मिट्टी नहीं खाने दी, नहीं तेरी माँ सोचेगी अरे वाह यशोदा वाह, तुझे पुत्र दिया पालने के लिए और तूने उसको मिट्टी भी नहीं खाने दी, तूने मक्खन तो क्या खिलाया होगा, तूने मेवे तो क्या खिलाए होंगे। अब तो भाई भगवान मैया के लिपट के बोल पड़े, मैया तूने ये सोच कैसे लिया कि मैं पराया जाया हूं, मैं तो आपकी आंखों आपकी गोदी में मैंने आंखें खोली हैं, आपका स्तनपान किया है, मैंने तो आपको ही सर्वस्व माना है, मेरी माँ तो आप ही हो, और हे यशोदा मैया मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका मान घट जाए, आपका यश कम हो जाए। भगवान मैया के लिपट पड़ते हैं और बोल पड़े, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ
सर्वस्व हो, मैंने तो आपकी गोदी में आंखें खोली हैं, आपके आंचल में पला बड़ा हूं। मैया आप ही मेरा सर्वस्व हो मां, हेस्ता मैया आपने सोच कैसे लिया, आपने मुझे पराजय कैसे मान लिया, आपने कैसे कह दिया कि तू देवकी का बेटा है, मैं तो आप ही का पुत्र हूं। अब तो मैया कन्हैया के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और फिर बोल पड़ी, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मुझे होश ही नहीं है
क्या तो कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, मेरी कई गलतियां हो गई हैं, बेटा मुझे माफ करना। मैया फिर वही बात, आप मेरी माँ हो, आप माफी थोड़ी मांगोगी। माँ, भूल तो संतान से होती है, भूल तो पुत्र से होती है। कुपुत्रो जायते क्वचित भी कुमाता न भवती। माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो जाता है। विचार करे बंधुओं, तो माता पिता का जितना बड़ा एक इस मानव देह को प्रदान करने का जितना उपकार है, पूरे जीवन भर सेवा करे, अपने चमड़ी के जूते बना देवे तो भी कर्ज नहीं उतर सकता। इस संसार में यदि कोई परमात्मा की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति है तो माँ और पिता ही है। तभी तो हमारे शास्त्रों ने मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा है। और आज हमारे देश को नजर लग गई है, वही माँ बाप जो देवता का रूप है, उन्हीं माँ बाप के लिए आज वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। संतानें सेवा नहीं कर पा रही है उनकी, उनके लिए उनको परिवार से दूर करने के लिए आखिरी समय बेसहारा होकर के अकेलापन भोग कर मरने के लिए ऐसे आश्रय बन रहे हैं बंधुओं, जो हमारे सनातन धर्म को वास्तव में लानत है। देखो, एक कोई बच्चा बड़ा होता है तो ऐसे नहीं हो जाता है, एक बालक एक बात को हजार बार पूछता है, पिताजी ये क्या चीज है। पिताजी कहते बेटा ये तो कोयल है। पिताजी ये क्या चीज है। बेटा ये चीज है। हजार हजार पूछने पर पिताजी उत्तर देते हैं। और बूढ़े माँ बाप जिनको दिखना कम हो जाए और कानों से कम सुनाई देवे, तो पिताजी पूछते हैं, माताजी पूछते हैं, बेटा ये कौन आए हैं, ये फलाने आए हैं, बेटा ये कौन आए हैं। एक दो बार उत्तर देगा और फिर बेटा क्या कहेगा, पिताजी चुपचाप पड़े रहो, क्या करना आपको, दिखता नहीं है, सुनाई देता नहीं है, क्या मतलब है आपको, पड़े रहो ना आप आराम से। वही पिताजी ने उस अबोध बालक को, जब उस कोई दुनिया की कोई बात समझ नहीं थी, एक चीज को जानता नहीं था, पहली बार सृष्टि में संसार में आंखें खोली, किसी चीज से परिचित नहीं है, उसको हर चीज से परिचय करवाया है। उसको कहा ये सूरज है, ये चांद है, ये अपना है, ये पराया है, ये लाल है, ये सफेद है, ये हर चीज के बारे में जिन्होंने ज्ञान कराया है। आज वो जब अपने अंगों से बेसहारा महसूस करते हैं, तब उनकी औलाद उनको क्या क्या नहीं कहती है। चाहे दुनिया में बंधुओं हर बात से दुख पा लेना, कष्ट पा लेना, लेकिन माता पिता को कष्ट देना उचित नहीं है। भगवान ने माँ यशोदा को बाहों में भर लिया है और बोल पड़े मैया, यशम ददाती इति यशोदा। यशोदा नाम ऐसे नहीं पड़ा है, यशम ददाती जो यश देने वाली है। गांव में कोई अच्छा खुद काम करती मैया तो कहती फलाने ने किया है, फलाने ने किया है, खुद का यश दूसरों में बांटती। और दूसरे कोई बुरा काम करते ना, दस घर दूर ही कोई गलती हो जाती किसी माता बहन से तो कहती इसको मत डांटो, ये गलती तो मेरी है, ये तो गलती मेरे से हो गई, ये तो कमी मेरी मेरी है। यहाँ पर दूसरों की गलतियों को, दूसरों की कमियों को, दूसरों की बुराइयों को इस्ता में खुद पे लेती और किए हुए अपने द्वारा किए अच्छे कामों को दूसरों को बांटती कि भाई ये तो इसने किया, ये तो इसने किया है। कभी ये नहीं कहती ये काम मैंने किया है। इसलिए यशोदा नाम पड़ा है, यशम ददाती तो दूसरों को यश देती है, दूसरों को मान बढ़ाती है, वो यशोदा। भगवान बोल पड़े माँ, आज मुझे रोको मत,
आज मेरे जाने में आपका यश बढ़ेगा। हे यशोदा, कृष्ण के जाने में आपको गर्व महसूस होगा और आप सोचोगी कि कृष्ण रोक लोगी तो मैं आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं जाऊंगा तब आपके समझ में आएगा कि कृष्ण यदि नहीं जाता तो आज सृष्टि में दुख बना रहता, और मैं जाऊंगा तो मैया बहुत बड़ा काम करूंगा। पहले आपको बताऊंगा नहीं मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मैया आपका यश 100 गुना और बढ़ जाएगा। देखो भाई, भगवान राम धैर्य की प्रतिमूर्ति, क्षमा की प्रतिमूर्ति, आनंद की प्रतिमूर्ति। यदि राम को कैकेयी वनवास नहीं भेजती तो राम को कौन जानता? राम जैसे राजकुमार, राजा सुंदर कई हो के चले गए सृष्टि में, कोई खबर नहीं उनकी। लेकिन राम जब वनों में गए, जब राम ने संतों पे, सबरी पे कृपा की, रावण जैसे महान दुष्ट का अंत किया, समुद्र पे सेतु पुल बांध दिया, ऐसा जो बंदर थे वानर एक जाति थी, उपेक्षित जाति थी उस समय, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। उन वानरों को अपने साथ में लेकर के राम जी ने रावण से जाके भिड़ पड़े। कैकेयी नहीं होती तो राम राम नहीं होते, और यशोदा नहीं होती तो कृष्ण कृष्ण नहीं होते। ये माई है जो औलाद को गढ़ती है। इसी राजक्षेत्र राजस्थान में प्राचीन काल में माताएं जब बालक को पलने में झुलाया करती थी तब उनको सिखाया करती थी, मरण बड़ाई माए, मरने के बारे में सिखाती कि बेटा मातृभूमि की रक्षा के लिए मरना ही श्रेष्ठ है। यशोदा मैं ने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जाओ, लेकिन मेरी सुध जल्दी लेना, भूल मत जाना। नहीं मैया, नहीं भूलूंगा। बस थोड़े शब्दों में विदाई हो गई यशोदा मैया, तो आंसू पहुंच के निकल पड़ी। सामने नंद महाराज मिल गए, यशोदा मैया नंद महाराज से कहती, महाराज आप साथ में जा रहे हो, कन्हैया को मैं कुछ नहीं कह पाई हूं, आप पिता हो उनके, आओ तब अकेले मत आना, साथ में लेके आना, और अपने पास में रखना कन्हैया को, वहां पर दुष्ट महाबली कंस है। नंद महाराज ने आश्वस्त किया है, गोपियां सोच रही थी यशोदा मैया कन्हैया को लेके आएगी, इतनी देर लगाई है, समझाया है तो साथ में लाई होगी, लेकिन मैया तो खाली हाथ आई है। गोपियां यशोदा को देख के बोल पड़ी, यशोदा आज हमारे बात समझ में आ गई है कि तूने कृष्ण को अपना बेटा समझा ही नहीं, अरे तूने तो पराया जाया ही मान लिया उसको। सब अपने अपने घरों में चले गए, बिलखते रहे, रोते रहे। इधर रथ को जब हांक दिया है, अक्रूर जी रथ को रोक लिया और कहा, हे गोविंद आप कहो तो मैं आपको पुनः वृंदावन छोड़ दूं। कन्हैया ये बात मुझे मालूम है कि कंस आपके साथ अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, आपके साथ घात करेगा। वो भगवान हंस पड़े, बोले अक्रूर जी क्या आप मुझे लेने आए हो? अक्रूर जी मेरी मर्जी से आप लेने आए हो, मेरी मर्जी से मैं जा रहा हूं, और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि कंस को मारने जा रहा हूं, कंस को मैं ही मारूंगा, आप चिंता मत करो, रथ को हांको, जल्दी चलो मथुरा। अब तो भाई रथ को हांक दिया है, रथ मथुरा के बाहर पहुंचा, भगवान ने रथ को रुकवाया है और कहा, अक्रूर जी रथ को रोक दीजिए।
आप जाकर सूचना कर दो और हम ग्वाल बाल घूमते हुए आएंगे, तो शहर में पैदल घूमेंगे तो यहाँ के महल, यहाँ के बगीचे, यहाँ के तालाब सरोवर, यहाँ की सुंदरता को देखते हुए आएंगे। रथ को रुका दिया। बाबा नंद आदि तो बड़े बड़े जो लोग थे वो अपने डेरों पे चले गए और भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, सुदास, सुदास, मधुमंगल, सुमंगल, ये सभी साथी लोग साथ में जा रहे हैं। इधर क्या हुआ?